ऐसी 10 चीजें जो एक औरत को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, कैसी चीजें हैं दैट अट्रैक्ट्स मेन टू वुमेन, औरतें ऐसी क्या 10 चीजें हैं जो मेल्स में रेजिस्ट नहीं कर पाती हैं और उनके प्यार में पड़ जाती हैं, डिटेल में बात करेंगे। हाय, आई एम डॉक्टर नेहा मेहता, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूं और पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूं। आज मैं रिलेशनशिप के ऐसे मैटर के बारे में बात करना चाहती हूं कि ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसी क्या चीजें हैं जो एक औरत को आदमी की तरफ खींचने में देर नहीं लगाती हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी ऐसी कौन सी 10 चीजें हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो है फेशियल फीचर्स, जैसे बियर्ड है जो मेल्स में बहुत ज्यादा फीमेल को अट्रैक्ट करती है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क है, मुझे बियर्ड नहीं सूट करेगा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, क्लीन ग्रूम्ड मैन एवरी फीमेल वॉन्ट। अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा ऑयली है, आपने दाढ़ी कब से कितने दिनों से नहीं बनाई है, नोज क्लीन नहीं है, आपकी ईयर्स पे बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ है, तो अल्टीमेटली फीमेल डोंट लाइक इट। आपको अपने आपको ग्रूम्ड रखना होगा, जितना आप ग्रूम रखेंगे स्पेशली आपका फेस, बाकी बॉडी तो ऑब्वियसली शी कैन नॉट सी, बट आप जितना अपने फेस को ग्रूम्ड रखेंगे उतना ही जल्दी आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स फीमेल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी बड़ी चीज है जो आप सब जानते हैं वो है ड्रेसिंग स्टाइल। मैं ये नहीं बोल रही हूं कि आप मनीष मल्होत्रा से कपड़े सिलवाने लग जाओ, बट योर ड्रेसिंग स्टाइल शुड बी गुड। यू शुड नो दैट इसके साथ, चेक्स के साथ आई वांट अ प्लेन ट्राउजर, या अगर मैं डेनिम पहन रहा हूं तो मैं डार्क कलर टी शर्ट्स को डाल सकता हूं, किस ओकेजन पे कैसे कैरी करना है, कैजुअल्स ऑफिस जा रहे हैं तो फॉर्मल्स कैसे कैरी करने हैं, पार्टीज आ रहे हैं तो कैजुअल्स कैसे होने चाहिए। और इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ा ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें। बहुत सारे ऐसे फैशन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो छोटे छोटे शॉर्ट्स के थ्रू आपको हेल्प करते हैं, उसे आप स्विच कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं बॉडी लैंग्वेज की, दैट कैन आल्सो हेल्प यू। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे इंप्लीमेंट भी करना है। जितना अच्छे से आप ड्रेसअप होंगे, जिस ओकेजन पे जितना अच्छा आप ड्रेसअप करेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस हैं दैट फीमेल गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज योर स्मेल। देखिए, परफ्यूम्स, डियोज, बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। एक ऐसा फ्रेग्रेंस जो इररेसिस्टिबल हो, जिसको बिल्कुल स्मेल करते ही शी गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आपने बहुत सारी एड्स देखी हैं, फॉग की देखी है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स के एड है जो बोलते हैं कि फीमेल गेट्स अट्रैक्टेड टू यू स्मेल सूंघते ही, तो दैट इज समथिंग also works. Your eyes are also very much that females get attracted to. Males की जितनी colored eyes होती है ना, females बहुत attract होती हैं। तो even if you feel you can use lens, जितनी आपकी eyes बातें करने वाली होंगी, why not? इसके नाम पे मुझे सीधा directly याद आता है अजय देवगन and he is the one जिनकी eyes कहते हैं बातें करती हैं, तो ऐसी आईज भी फीमेल्स को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। पोस्चर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे झुक के बैठेंगे या ऐसे होगे जाटों की तरह बैठोगे तो दैट इज नॉट राइट। योर बॉडी पोस्चर शुड बी वेरी ओपन जब आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, कैसे आप चल रहे हो, कितना टौरा दिखा रहे हो, कितने अच्छे तरीके से अपनी ड्रेस को कैरी कर रहे हो, दैट एक्चुअली अट्रैक्ट्स अ वुमन। योर स्माइल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपका मैनरिज्म बहुत अच्छा होना चाहिए, कैसे पिक करना है चीजों को, कैसे टेबल मैनर्स को रखना है, कैसे किसी लड़की के साथ इंटरेक्ट करना है या किसी के साथ आप कैसे बात करते हैं, वो फीमेल बहुत ज्यादा नोटिस करती हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। लड़कियों को ऐसे लड़के बहुत पसंद है जो हंसाते रहते हैं, गिगल करते रहते हैं, जिनके साथ रह के वो कूल, कंफर्टेबल और हैप्पी महसूस करती हैं, दैट एक्चुअली अट्रैक्ट्स। ज्यादा ज्यादा जोक मारने आने चाहिए, साथ साथ आपको कन्वर्सेशन होल्ड करनी आनी चाहिए। अगर किसी ने पूछा आप कैसा फील कर रहे हो और आप बोल रहे हो ठीक है, तो ऑब्वियसली फीमेल विल नॉट लाइक इट। लेकिन आप बोलो मैं तो अच्छा फील कर रहा हूं, आप कैसी फील कर रही हैं, तो जितना लंबे समय तक आप कन्वर्सेशन को लेके जाएंगे, क्योंकि फीमेल को लंबी लंबी कन्वर्सेशन पसंद होती हैं, तो जितना लंबे समय तक आप लेके जाएंगे दैट विल डेफिनेटली अट्रैक्ट अ वुमन। शूज आपके अच्छे होने चाहिए, अ गुड पेयर ऑफ शूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेल की अगर ग्रूमिंग की बात करूं, कुछ बाहर लेने जाऊं तो कपड़े और जूते ही होते हैं, फीमेल के पास तो बहुत और चीजें हैं, मेकअप है, लिपस्टिक है, सब कुछ है। तो आपके शूज जितने बेहतर होंगे उतना ही लेवल ऑफ अट्रैक्शन वुड बी गुड। तो ये सब चीजों का आपने ध्यान रखना है अगर आप चाहते हैं कि कोई फीमेल मेरी तरफ अट्रैक्ट हो। आज से अभी से इस पे काम करना शुरू कर दो, स्पेशली उस पार्टी में जिस जहां पे आपको लगता है मेरी क्रश ने आना है, वहां पे तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना ही रखना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। बहुत जल्दी और वीडियोस लेकर आती रहूंगी, तब तक चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा नया चैनल लवोलॉजी सीखो को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें बहुत सारा सेक्सुअल हेल्थ कंटेंट आपके लिए आता है, आपको पसंद भी आता है, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बने रहे, जुड़े रहे, बहुत जल्दी एक और वीडियो आएगा।